हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपस्ता। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th में मेरे भाई अपन चल रहा था चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की पूरी के पूरे चांसेस है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज करा रहा था। ठीक है, इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 8 है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के नंबर की बात करें ना, तो दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और कितने नंबर के, नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 10 से लेकर 13 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट होंगे, 10 से 13 नंबर। क्योंकि यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन अगर आएगा तो 8 नंबर में आएगा और एक 5 नंबर का। ठीक है, अगर दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो 13 नंबर के। अगर मान लो कभी यहाँ से मान लो एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर मान लो कभी 2 नंबर का कोई छोटा क्वेश्चन तो वो दे दे तो 10 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 10 से 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, एक ही वीडियो से देखने से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट तो कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो मैंने चैप्टर नंबर 2 आपका कराया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 3 आपका कराया है आप व्यू, चैप्टर नंबर 4 आपका कराया है सारणिक, चैप्टर नंबर 5 आपका कराया है मेरे प्यारे भाई कौन सा चैप्टर है आपका अवकलन, और चैप्टर नंबर 7 आपका कराया है समाकलन। इतने चैप्टर्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रखे हैं, और सभी चैप्टर से 20-20 क्वेश्चंस कम से कम मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, सभी 20-20 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो मेरे प्यारे भाई, एक लेक्चर देख लेने से आपको 20 मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में ना 10 से 13 नंबर नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं समाकलनों के अनुप्रयोग के जितने लेक्चर मैं आपको दूंगा, कम से कम मैं आपको 4 लेक्चर तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इतने देख लेंगे चारों लेक्चर, कम से कम 20 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके पेपर में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आप एक काम करें कि अगर एक वीडियो केवल देख लेंगे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर, ऐसा नहीं है। क्योंकि तो मैं आपको कम क्वेश्चंस कराता हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन में डिफाइन करके बताता हूँ। ऐसे नहीं आगे कह दिया ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है लगा लेना, ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है लगा लेना, ऐसा नहीं है। मैं सॉल्यूशन भी बताता हूँ, कंसेप्ट भी बताता हूँ, हर एक टाइप क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो एक वीडियो नहीं, जितनी वीडियो मैं आपको चैप्टर्स के देता हूँ वो आप देख सकते हैं। अगर आपको इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने चैप्टर वाइज, तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब बिना किसी तरीके चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर वृत्त कह रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका मतलब ये समीकरण वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ पर आपको देखो एक्स से सबसे पहले बना लेना है, ये आपका क्या है थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये आपका एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है। ठीक बात है, अब देखो जो यहाँ पर कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण है, और कब का समीकरण है, जब वृत्त का केंद्र मेरे प्यारे भाई मूल बिंदु हो, अर्थात एच कॉमा के का मान 0 0 हो। तो ये समीकरण वृत्त का जो आपका वृत्त बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, यही तो आपसे, ये आपका जो वृत्त का केंद्र होगा 0 0 आएगा। तो ये आपका ओ ले लेते हैं, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। ये बिंदु क्या होता है, ये बिंदु होता है ए कॉमा 0। तो यहाँ पर ए क्या होता है, देखो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती त्रिज्या। तो ये जो आपका समीकरण है ना, वृत्त में आपने पढ़ा रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, आर क्या होता है त्रिज्या होती है, तो आर की जगह यहाँ पर क्या ए है, तो ये आपका ए कॉमा 0 हो जाएगा ये बिंदु। ठीक बात है, अब यहाँ से कह रहा है कि ये इतने जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे भाई, इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, मतलब टोटल का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, ए बी सी डी ए का। तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल किसका निकालना है, ए बी सी डी ए का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे प्यारे भाई, कैसे आएगा इसका क्षेत्रफल, देखिए अगर हम एक काम करते हैं, देखो आप करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका निकालो, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, दिक्कत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और देखो एक पार्ट जैसे ये पार्ट है ना, उसी प्रकार से ये भी है, उसी प्रकार से ये भी है, उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, तो हम एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुणा करा देंगे, क्योंकि कितना, 1 2 3 4, 4 पार्ट है ना। तो हम क्या कर देते हैं, 4 गुणे क्षेत्रफल किसका निकाल लें, 4 गुणे क्षेत्रफल किसका निकाल लें, ए बी ओ ए का। अगर हम ए बी ओ ए, ए बी ओ ए का क्षेत्रफल निकालें और 4 से गुणा करा दें, तो हमारा टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा ए बी सी डी ए का। ठीक बात है, तो हमारा पहला काम क्या है ना, हमारा पहला काम मेरे प्यारी भाई क्या है कि क्षेत्रफल निकालना, और किसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना ए बी ओ ए का। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल आएगा कैसे, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है,
देखो हम पहले सबसे पहले देखते हैं एक्सिस, जहां पर आप जहां पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जिस कर्व का, वहां पर आप एक्सिस देखो। तो यहां पर आपको देखो एक्स एक्सिस भी मिल रहा है, वाई एक्सिस भी मिल रहा है, आप किसी के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक पट्टी, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स अक्ष पर एक पट्टी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो आप पट्टी जिस एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पर, तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। जिस एक्सिस पर, अगर वाई पर करते तो डी वाई हो जाता, अगर आप एक्स एक्सिस पर कर रहे हैं तो डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका पट्टी है ये किसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको नाम दे देंगे वाई। तो देखो यहाँ पर जो आपकी लिमिट होगी ना, क्योंकि आप जब एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस पर ही तो है, तो लिमिट आपका एक्स के फॉर्मेट में होगा। तो लिमिट कहाँ से होगा, देखो जीरो से लेकर ए तक जा रहा है, तो जीरो से लेकर ए तक की आपकी लिमिट होगी। और फॉर्मूला आपका, ये पट्टी किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो वाई इंटू में किस पर है, डी एक्स पर, तो ये हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स, ठीक बात है। ये फॉर्मूला आपका बनेगा, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ से आपका बात क्या बनेगी, कि लिमिट आपकी जीरो से तो ए तक हो गई, मतलब क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल किसका, ए बी ओ ए का। देखो बहुत ध्यान देकर समझेंगे तो आप समझ पाएंगे, मैं समझाने का पूरा प्रयास वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक दो बार अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है ना, तो मेरे प्यार भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आ रहा है वाई इंटू में डी एक्स, वाई कैसे आएगा, ये जो आपका सर्किल है ना, ये सर्किल का नाम क्या है, सर्किल का नाम है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो वृत्त के समीकरण से ही आप यहाँ से वाई की वैल्यू पाएंगे। तो वाई की वैल्यू कैसे आएगा, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप वाई की वैल्यू निकालेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रूट के अंदर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर डी एक्स लगाए तो यहाँ पर डी एक्स लगा लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ए बी ओ ए का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, देखो जब भी आपको मिल जाए मेरे प्यारे भाई समाकलन करना हो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है एक्स बटे दो, ठीक बात है। यहाँ पर जो आपका रूट के अंदर लिखा गया है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है। अब होता है ए स्क्वायर बटे में दो, तो ये ए स्क्वायर बटे में दो हो जाएगा। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटे में ए, ये आपका मेरे प्यारे भाई रूट के अंदर अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यही होता है, ठीक बात है। अब यहाँ पर आपको देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से ए तक, तो आपकी लिमिट जीरो से ए तक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो क्षेत्रफल आपको निकाल रहे हैं किसका, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप ए बी ओ ए का, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक बार आप अपर लिमिट रखेंगे फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको थोड़ा सा डायरेक्ट समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे भाई। जानते हैं मैं डेली जो वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं मतलब मैं अपने गाँव से थोड़ा सा दूर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। वहाँ पर मैंने अपना सेटअप ये लगाया हुआ है, तो यहाँ पर एक मेन रोड है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं, तो बीच बीच में देखता हूँ कि मैं रुक जाता हूँ, लेकिन हालाँकि मैं उसको काट देता हूँ, आपको मिलता नहीं वो पार्ट, लेकिन क्या किया जाए, थोड़ा सा मजबूरी है मेरी प्राइवेट। तो अभी देखो मैं रुक गया था, हालांकि मैंने काट दिया तो आपको थोड़ा सा डिसमिस लग रहा होगा वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जब आप एक्स की जगह ए रखेंगे ना, तो देखो यहाँ पर ये ए बटे दो हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब ये टोटल पार्ट आपका क्या हो जाएगा जीरो, टोटल पार्ट क्या बनेगा आपका जीरो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का जीरो हो जाएगा, और जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे जीरो ही आएगा। अब बात यहाँ से हमारी बनेगी कि यहाँ से आपको ए स्क्वायर बटे दो मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, देखो x की जगह a रखेंगे तो ये a बटे a हो जाएगा, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब बात को समझो, अब लोअर लिमिट आप जब रखेंगे तो माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट जब यहाँ पर x की जगह रखेंगे तो जीरो बटे में तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब जीरो का इसमें गुणा होगा तो टोटल जीरो हो गया। अब यहाँ पर आपको बात देखना है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बटे दो हो जाएगा साइन इनवर्स, एक्स की जगह आप जीरो रखेंगे जीरो बटे में ए मतलब जीरो, और साइन जीरो अंश का मान जीरो ही होता है, मतलब टोटल टर्म क्या हो गया आपका, जो लोअर लिमिट में टोटल टर्म था वो जीरो हो गया, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग ला के समझना था। अब यहाँ पर देखो क्षेत्रफल आप किसका निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं ए बी ओ ए का, तो क्या आ गया यहाँ से, देखो ए स्क्वायर बटे में दो हो गया मेरे प्यारे भाई, ए से ए कैंसिल हो गया, और आप जानते हैं कभी भी आपको मिल जाए साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन का डायरेक्ट मान होता है पाई बटे दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका हो गया पाई बटे दो, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पर आप क्षेत्रफल किसका निकाल रहे थे, क्षेत्रफल आप निकाल रहे थे ए बी ओ ए का, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ए स्क्वायर पाई अपॉन में दो दुनाई कितना हो गया चार हो गया, क्या यही आपका आंसर होगा, नहीं ये आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका आंसर तो ये है ना
क्षेत्रफल ए बी सी डी ए का टोटल का क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। आपने तो केवल ए बी ओ ए का क्षेत्रफल निकाला है, तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल अगर आपको ए बी सी डी ए का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल आपको निकालना है ए बी सी डी ए का तो क्या करना पड़ेगा, आपको चार गुणे क्षेत्रफल ए बी ओ ए लिखना पड़ेगा। तो ए बी ओ ए का क्षेत्रफल कितना निकाला आपने, ए स्क्वायर पाई बटे चार, ठीक है। तो देखो चार से चार कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका ए स्क्वायर पाई। तो आपका जो क्षेत्रफल है ना, अभीष्ट क्षेत्रफल ए बी सी डी ए, मतलब क्षेत्रफल आपका ए बी सी डी ए कितना आ गया, देखो इसको ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं पाई ए स्क्वायर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा पाई ए स्क्वायर। और यहाँ पर देखो आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो किसी का भी क्षेत्रफल निकालें यहाँ पर, अगर आप किसी का भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं समाकलनों के अनुप्रयोग में, तो आपको स्क्वायर यूनिट में आपको आंसर लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होता है और डायमेंशन हमको पता नहीं है। इस कर्व का डायमेंशन मतलब आपको क्या बीमा क्या होगा, सेंटीमीटर में, मीटर में, किस में, फीट में, कोई मतलब नहीं, इसलिए यूनिट लगता है, ठीक है। और स्क्वायर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगता ही है, तो स्क्वायर यूनिट में ही आपको आंसर लिखना है, और यही मेरे प्यारे भी फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर एक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सिस बना लेना है अक्ष, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये क्या हो गया आपका एक्स हो गया, ठीक है। ये आपका एक्स नेगेटिव हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया धनात्मक, और ये हो गया वाई ऋणात्मक। अब कह रहा है दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त आपका जो अगर समीकरण एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटन अपॉन में बी स्क्वायर बराबर एक, यही आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको ऐसे यहाँ पर ये दीर्घवृत्त आपका हो गया। थोड़ा सा डायग्राम अगर हम सही बनाएं तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है, डायग्राम हो गया। अब देखो दीर्घवृत्त ऐसे ही बनता भी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायग्राम सही कर देता हूँ, ये आपका हो गया दीर्घवृत्त। अब देखो ये जो आपका पॉइंट होगा ना, वो होता है ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट क्या होता है आपका ए कॉमा जीरो। तो यहाँ पर देखो ए बी के ही फॉर्मेट में दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ए कॉमा जीरो। अगर मैं इस बिंदु की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो कॉमा बी हो जाएगा। तो बी की जगह क्या है आपका बी ही है, तो जीरो कॉमा बी ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई या तो दो का स्क्वायर दिया जाता है या तीन का स्क्वायर दिया जाता, तो यहाँ पर दो हो जाता, यहाँ पर तीन हो जाता, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पूछा है तो ए कॉमा जीरो, यहाँ पर जीरो कॉमा बी ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो होगा ये, अब यहाँ पर बात करते हैं मेरे प्यारे भी, आपको टोटल का क्षेत्रफल निकालना है, इतने इलिप्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये ए हो गया, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, ये ओ आपका बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल किसका निकालना है आपका, ए बी सी डी ए का, मतलब टोटल क्षेत्रफल आपको निकालना है किसका, ए बी सी डी ए का, ठीक मेरे प्यारे भाई। तो करना क्या पड़ेगा आपको, करना ये पड़ेगा कि हम एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे और चार से मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब टोटल का क्षेत्रफल आपको कैसे मिलेगा, चार गुणे क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, किसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, ए बी ओ ए का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्षेत्रफल ए बी ओ ए, ठीक मेरे प्यारे भाई। अब देखो हम क्या करेंगे ना, मेरा काम ये है कि क्षेत्रफल निकालना किसका, ए बी ओ ए का। तो हमारा काम क्या है, क्षेत्रफल निकालना किसका मेरे प्यारे भाई, क्षेत्रफल निकालना किसका, ए बी ओ ए का क्षेत्रफल निकालना हमारा मेन काम है, कि क्षेत्रफल निकालना ए बी ओ ए का। ये क्षेत्रफल आएगा कैसे आएगा, देखो बात ये होगा मेरे प्यारे भाई, हम क्या करेंगे कि देखो चाहे देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना एक्सिस, एक्सिस मिल कहाँ रहा है। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पे भी एक्सिस मिल रहा है और वाई एक्सिस पे, तो आप किसी भी एक्सिस पे एक पतली पट्टी किसी के पैरेलल ड्रॉ कर लें। तो हम एक्स एक्सिस पर अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये डी एक्स हो जाएगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वाई इंटू में डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमने पट्टी जो ड्रॉ करी है ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल में, तो वाई और किस पर ड्रॉ करी है, एक्स पर, तो हम डी एक्स लिख देते हैं, तो डी एक्स हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। अब देखो आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, जब आप एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका लिमिट होगा, मतलब जीरो से आप ए तक जाएंगे, तो ये जीरो से लेकर ए तक आपकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा काम ये है कि वाई निकालना, तो वाई आएगा कहाँ से, तो वाई आएगा आपका इलिप्स के समीकरण से, जो आपका दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है मेरे प्यारे भाई, वहाँ से आपको मिलेगा। तो यहाँ से देखो आपका समीकरण ही है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर एक, ठीक बात है। तो यहाँ से आप मेरे प्यारे दोस्तों कैसे वाई का मान पाएंगे, देखो वाई का मान कैसे आपको मिलेगा, यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर क्या है आपका एक, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। देखो कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई एक का एक, ए का एक में होगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में
ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बी को उधर भेज दो तो वाई स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये ए को ऐसे लिखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ए स्क्वायर, और ये ब्रेकेट में आप लिख लो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आप स्क्वायर है ना वाई स्क्वायर को हटाएंगे तो इक्वल के इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो वाई बराबर आपको क्या मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बी बटे ए आप बाहर ले आएंगे तो ये रूट के अंदर आपका बचेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वाई का मान आपको यहाँ से मिला ये, ठीक है। तो अगर y का मान यहाँ से हमको मिलता है तो y का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, मतलब क्षेत्रफल आप किसका निकाल रहे हैं ए बी ओ ए का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं, तो लिमिट आपका जीरो से a तक ही रहेगा। y का मान ये आप रख देंगे बी बटे ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे आगे सॉल्व करेंगे, देखो बी बटे में एक कॉन्स्टेंट है तो हम बाहर ले लेंगे, क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं ए बी ओ ए का, बी बटे ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, लिमिट लगाएंगे जीरो से ए तक, रूट के अंदर आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। और यही आपको बताया अभी मैंने इसका समाकलन क्या होता है। मेरी प्यारी वस्तु 90% क्वेश्चंस समाकलनों के अनुप्रयोग के इसी फॉर्मूले से लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हो, क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं ए बी ओ ए का, बराबर क्या हो जाएगा बी बटे में ए, और आप जब इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बटे में ए, रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटे में दो, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बटे में ए। अब देखो यहाँ पर आपको लिमिट तो लगानी ही पड़ेगी, लिमिट जीरो से ए तक लगेगा तो जीरो से ए तक आपकी लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर ए बी ओ ए बराबर ये बी बटे में आपका पहले से ही है, ठीक है। अब देखो जब मेरे प्यार से समझो बात को, एक बार आप अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ आप जीरो कर पा रहे हैं ना उसको तुरंत जीरो कर दो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए है, जब देखो यहाँ पर ए रखेंगे तो ए बटे ए हो जाएगा, नहीं ए नहीं होता ना यहाँ पर, एक्स बटे में दो होता है, एक्स बटे में दो और यहाँ पर ए स्क्वायर बटे में दो, ठीक है। ये बात आप देखना, थोड़ा सा गलती हो गया था, जब यहाँ पर एक्स की जगह आप ए रखेंगे तो ये ए बटे दो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब आप x की जगह रखेंगे a तो ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का और प्लस का, तो जीरो हो जाएगा। तो टोटल टर्म क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये टोटल टर्म क्या हो गया मेरी प्यारी भाई, जीरो हो गया। बचा आपका ये a स्क्वायर बटे में दो, ये बचता है आपका। अब यहाँ पर देखो आप जब रखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x की जगह a तो ये a बटे a हो जाएगा, माइनस लगाएंगे आप, माइनस लगा करके यहाँ पर रखेंगे जीरो, तो जीरो बटे में दो टोटल टर्म फिर जीरो हो गया। और यहाँ पर आप आएंगे तो एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो बटे में क्या हो जाएगा साइन जीरो, जीरो का मान जीरो हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म भी जीरो हो जाएगा, मतलब माइनस का जीरो ही आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल रहे थे किसका, ए बी ओ ए का क्षेत्रफल आप निकाल रहे थे बी बटे में ए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से आप देख पाएंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइन इनवर्स एक हो गया, साइन इनवर्स क्या हो गया एक हो गया, इसका डायरेक्ट मान पाई बटे दो होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये हो गया ए स्क्वायर बटे में दो गुणे, इसका मान हो गया पाई बटे में दो, बात को समझ पाए, बी बटे ए हमने लिख लिया, ए स्क्वायर बटे में दो लिख लिया, साइन इनवर्स एक का मान पाई बटे दो होता ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक ए से एक ए कैंसिल हो गया क्योंकि ए स्क्वायर था दो बार था ना, तो यहाँ से आप क्षेत्रफल किसका पाए, ए बी ओ ए का क्षेत्रफल आप पा गए। देखो यहाँ पर ए बचा, यहाँ पर बी ए बचा, तो ए बी पाई, ए बचा बी बचा पाई बचा, नीचे देखो दो दुनाई चार हो गया। तो क्या यही आपका आंसर है, नहीं ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपका आंसर तो ये है ना क्षेत्रफल ए बी सी ए का, ए बी सी डी ए का चार गुणे क्षेत्रफल ए बी ओ ए। तो यहाँ से आप जब क्षेत्रफल फाइनल क्षेत्रफल निकालेंगे आपका जो आंसर क्षेत्रफल होगा ए बी सी डी ए बराबर क्या होता है चार गुणे क्षेत्रफल ए बी ओ ए का, क्षेत्रफल ए बी ओ ए का क्या है आपका, ये है ए बी पाई बटे चार, और चार से चार कैंसिल करा देंगे, बचेगा क्या आपका क्षेत्रफल, आपका बचेगा मेरे प्यारे भाई ए बी सी डी ए बराबर क्या हो जाएगा पाई ए बी, और स्क्वायर यूनिट में आपको आंसर लिखना है तो स्क्वायर यूनिट, यही आपका मेरे प्यारे भाई पाई ए बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों देखिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज दो क्वेश्चन हो पाए कोई बात नहीं, हम आपको कम से कम मैंने आपको कहा कि 20 क्वेश्चन मैं आपको हर एक चैप्टर से कराता ही हूँ तो मैं कराऊंगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। देखो एक वीडियो में कम क्वेश्चन हो पाए कोई बात नहीं, देखो ये क्वेश्चन लंबे लंबे बताने में टाइम लगता है मेरे प्यारे, प्लस ढूंढने में भी टाइम लगता है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम लग जाता है।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भी ऐसा बात नहीं है, क्योंकि देखो वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगी ना तो मुझे अपलोड करने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर नेट अब बहुत अच्छे तरीके से चलता नहीं मेरे प्यारे भाई, ऐसे स्लो स्लो बहुत ज़्यादा अपलोड होता है वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं आपको कम से कम स्टेप से कराऊंगा, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए, देखो कम क्वेश्चन हो, 1 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो भी हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए देखिए, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए मेरे प्यारे भाई ना, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो वीडियो बनाने में और मज़ा आता है और मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड करा पाता हूँ। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे पता आता है कि हाँ इतने बच्चों ने देखा, ये पसंद कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, थैंक यू।